Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friend, success for you में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है सारे का आज डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत कम समय में, जो कि इलेक्ट्रीशियन और जेई एग्जाम, जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे आपको जेबी गुप्ता, आरके राजपूत और वीके मेहता से सारे टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी फुल डिटेल में और बहुत कम समय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर आर जनरली नॉट सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज। तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्यों? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा बी आंसर इसमें सही है, बी आंसर हमारा सही है, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस टॉर्क रिवर्स आफ्टर हाफ साइकिल। तो जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क का डायरेक्शन है वो हाफ साइकिल में रिवर्स हो जाता है, इसके चलते ही हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ वन फेज ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल बी। तो अगर सिंक्रोनस मोटर का वन फेज अगर जल जाता है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नॉट स्टार्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपका समय कम लेना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ पाएँ, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। और आइए तीसरा नंबर देखते हैं, ए पोनी मोटर इज बेसिकली, तो पोनी मोटर क्या होता है, यह स्मॉल इंडक्शन मोटर होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप सिंक्रोनस टॉर्क। तो कब सिंक्रोनस टॉर्क डेवलप करता है सिंक्रोनस मोटर, तो इसका हमारा हो जाएगा ओनली एट सिंक्रोनस स्पीड, जब सिंक्रोनस स्पीड पे होता है तब। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी स्टार्टेड बाय, तो कैसे स्टार्ट करते हैं, पोनी मोटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर से भी, और प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग, इसका डी ऑप्शन सही है, तीनों तरीके से हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर विल हैव, तो टू स्लिप रिंग, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में दो स्लिप रिंग होते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज लाइकली टू अकर, तो कब होता है हंटिंग, तो पीरियडिक वेरिएशन ऑफ द लोड, इसी के समय हमारा हंटिंग होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखता है, व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ अनलोडेड साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर सडनली गेट्स डिसकनेक्टेड, तो डिसकनेक्टेड सडनली होता है तो क्या हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा हमारा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। और नौ नंबर देखते हैं, व्हेन वी इज द अप्लाइड वोल्टेज देन द ब्रेकडाउन टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर वेरीज, तो कैसे ब्रेकडाउन टॉर्क वेरीज करेगा, तो वी से वेरीज करेगा, हमारा वोल्टेज पे ही वेरी करता है, इसका ए ऑप्शन सही हो गया। द पावर डेवलप बाई सिंक्रोनस मोटर विल बी मैक्सिमम वेन लोड एंगल, तो कितना लोड एंगल होगा तो पावर डेवलप मैक्सिमम होगा, तो हमारा 90 डिग्री होगा तब पावर डेवलप ज़्यादा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज एज सिंक्रोनस कैपेसिटर वेन इट इज, तो कब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह काम करेगा, तो जब वो ओवर एक्साइटेड रहेगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग ऑन ए लोड विथ नॉर्मल एक्साइटेशन, नाउ इफ द लोड ऑन अनदर मोटर इज इंक्रीज, अगर दूसरा मोटर का हम लोड इंक्रीज करते हैं तो 12 नंबर का हमारा देखिए ऑप्शन हो जाएगा, 12 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, पावर फैक्टर डिक्रीज एंड आर्मेचर करंट विल बी इंक्रीज, ये भी कर्व से आप लोग देख सकते हैं कैसे घटता बढ़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्टली सिंक्रोनस मोटर आर अप, तो मोस्टली सिंक्रोनस मोटर कैसा होता है, सेलियन पोल टाइप का मशीन होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट इनहेरिटली सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज, सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्योंकि द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द रोटर टू सिंक्रोनस स्पीड इन एन इंस्टेंट एब्सेंस, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एज द लोड इज अप्लाइड टू ए सिंक्रोनस मोटर द मोटर टेक्स मोर आर्मेचर करेंट बिकॉज, ज़्यादा करेंट लेता है, क्यों, तो इसका बी ऑप्शन सही है, द रोटर वाई शिफ्टिंग इट्स फेज बैकवर्ड काउज मोटर टू टेक मोर करेंट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट, तो सिंक्रोनस मोटर हमेशा कैसे रन करता है, तो वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टेक्स, तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है वो हमेशा लीडिंग करंट लेता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है द वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू, तो सिंक्रोनस मोटर का जो वर्किंग है वो किससे सिमिलर है, तो ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर बाय द शाफ्ट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का देखिए, द मिनिमम आर्मेचर करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर कोरस्पोंड टू ऑपरेशन एट, तो यूनिटी पावर फैक्टर पर चलता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, हम थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि आपको हम कम समय लेना चाहते हैं, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस से हम वीडियो बनाते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम से थोड़ा समय पहले, या फिर जब आपको मन ना लगे तो आप कम समय में उस चैप्टर का रिवीजन कर पाएँ, इसलिए हम थोड़ा स्पीड करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इफ़ लोड और टॉर्क एंगल ऑफ ए फोर पोल सिंक्रोनस मोटर इज 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इट्स वैल्यू इन मैकेनिकल डिग्री, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल डिग्री निकालने का, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, उसका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, थीटा मैकेनिकल बराबर, एक फॉर्मूला होता है थीटा मैकेनिकल बराबर 2 गुने थीटा इलेक्ट्रिकल बाय पी, इस फॉर्मूले पे आप पुट करेंगे तो थीटा मैकेनिकल 2 इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और पी दिया हुआ है 4, तो 2 दूनी 4 इधर कट गया, 2 से इधर कट गया 3, यानी कि हमारा तीन आंसर आ गया, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल है थीटा, सिंपल है निकालने का इसका फॉर्मूला, थीटा मैकेनिकल बराबर होता है 2 इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल बाई पी, इस फॉर्मूले पर पुट करिएगा, आपका 3 आंसर आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर बी वी कर्व फॉर ए सिंक्रोनस मोटर द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन, तो वी कर्व जो है सिंक्रोनस मोटर का, वो ग्राफ किसके रिलेशन के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फील्ड करेंट और आर्मेचर करेंट के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं, इसी दोनों के बीच हम वी कर्व बनाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, द बैक ईएमएफ ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड अपॉन, बैक ईएमएफ सिंक्रोनस मोटर का डिपेंड करता है लोड एंगल पे, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वी इज द सप्लाई वोल्टेज एंड आर इज द रोटर रेसिस्टेंस पर फेज, द मैकेनिकल पावर डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर विल बी प्रोपोर्शनल टू, द वी स्क्वायर बाय आर, इसका आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल पावर वी स्क्वायर बाय आर का प्रोपोर्शनल होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए सिंक्रोनस मोटर विच लॉस वेरीज विद लोड, तो कौन सा लॉस है वो लोड के साथ वेरीज करता है, तो 25 नंबर का देखिए हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस, लोड बढ़ाएगा तो कॉपर लॉस ही वेरी करेगा, बाकी सब फिक्स होता है, विंडेज लॉस, बियरिंग फ्रिक्शन लॉस और कोर लॉस, लोड के साथ हमारा जो लोड घटने बढ़ने से जो लॉस वेरी करता है वो कॉपर लॉस ही करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, सिंक्रोनस मोटर कैन बी मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाई प्रोवाइडिंग, तो किसी को भी प्रोवाइड करके हम सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं बना सकते हैं, इसलिए नॉन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, द ऑसिलेशन इन अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी डैम्प्ड आउट बाय, तो ऑसिलेशन को कैसे कम कर सकते हैं, तो 27 नंबर हो जाएगा, प्रोवाइडेड डैम्पर बान इन रोटर पोल फेस, इसका सी ऑप्शन सही है। 28 नंबर का, द शाफ्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज मेड ऑफ, तो क्या चीज़ से बना होता है, सिंक्रोनस मोटर का शाफ्ट माइल्ड स्टील से बना होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हेन द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी, सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अंडर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। द स्पीड रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज, तो 0 होता है स्पीड रेगुलेशन सिंक्रोनस मोटर का। 31 नंबर का देखिए, द परसेंटेज स्लिप इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तो स्लिप भी इसका 0 होता है, परसेंटेज स्लिप 0 होता है, जितना कम उतना ही अच्छा होता है। 32 नंबर का देखिए, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू ए न्यू फिक्स्ड वैल्यू बाय, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बाई चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी, कैसे, एक फॉर्मूला होता है ns बराबर 120 f/p, तो देखिए आप फ्रिक्वेंसी को अदला बदली करिएगा, चेंज करिएगा, तो आपका स्पीड में वेरिएशन हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, चेंज फ्रीक्वेंसी करके हम कर सकते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सिंक्रोनस मोटर विल बी ऑलवेज स्टॉप वेन, तो कब ऑलवेज स्टॉप होता है, तो एक्साइटेशन वाइंडिंग डिसकनेक्टेड, जब एक्साइटेशन वाइंडिंग को हम डिसकनेक्ट कर देंगे तो सिंक्रोनस मोटर जो हमारा है वो बंद हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, हंटिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर टेक्स प्लेस, हंटिंग क्यों होता है, तो वेन लोड वेरी, जब लोड वेरी करता है तो हंटिंग होता है सिंक्रोनस मोटर में। 35 नंबर देखिए, वेन लोड ऑन ए ओवर एक्साइटेड और अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स आर्मेचर करेंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पावर फैक्टर इज, तो इसका लेस आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। 36 नंबर देखिए, द रोटर कॉपर लॉस इन ए सिंक्रोनस मोटर आर मेड बाई, तो कैसे मिलता है, तो डीसी सोर्स से हमको मिलता है, रोटर कॉपर लॉस डीसी सोर्स से हम प्राप्त करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम पावर डेवलप बाई ए सिंक्रोनस मोटर अकर एट कपलिंग एंगल ऑफ, तो इसका 90 डिग्री हो जाएगा, मैक्सिमम पावर कब होगा, जब 90 डिग्री पे होगा इसका कपलिंग एंगल। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन द रोटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सच ए फैशन दैट द नंबर ऑफ पोल आर मेड हाफ द स्पीड ऑफ रोटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज, तो इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज टू टाइम द ओरिजिनल वैल्यू, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर द स्टेटर ऑफ स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट द सेम स्पीड, तो दोनों स्टेटर एंड रोटर दोनों सेम स्पीड से रोटेट करता है किसमें, तो सिंक्रोनस मोटर में, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर, सिंक्रोनस पावर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज, तो इनवेरेबली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करने में पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है दोस्त, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप ही लोग के लिए करते हैं, कम समय में आपका रिविजन हो जाए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंक्रोनस मोटर आर तो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होता है सिंक्रोनस मोटर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर रेटिंग ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर, तो कितना होता है स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर रेटिंग, तो यूनिटी और 0.8 लीडिंग होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन एडजस्ट टू लोड इंक्रीज एसेंशियली बाई इंक्रीजिंग, तो क्या बढ़ा के हम कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा आर्मेचर करंट, इसका बी ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर हैज बेटर पावर फैक्टर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्शन मोटर, दिस इज मेनली ड्यू टू, तो किसके कारण होता है बेटर पावर फैक्टर, तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज एज, तो फेज एडवेंसर की तरह यूज करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर को, लीडिंग पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर को फेज एडवेंसर की तरह भी यूज कर सकते हैं। 46 नंबर देखिए, स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड अप, तो ब्रास और स्टील का बना होता है स्लिप रिंग, ये तो सबको पता है। 47 नंबर देखिए, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर, तो पावर फैक्टर करेक्शन में यूज करते हैं ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को। 48 नंबर देखिए, व्हेन द वोल्टेज अप्लाई टू ए सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विल बी रिड्यूस, तो क्या रिड्यूस करेगा, तो नन ऑफ द अबव, इस स्टेटर फ्लक्स पुल इन टॉर्क और बोथ है ए एंड बी, सब कुछ नहीं रिड्यूस करेगा, इसलिए इसका नन ऑफ द दीज ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड होता है वो कॉन्स्टेंट स्पीड होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डस्ट एंड डस्ट एक्यूमुलेशन ऑन ए मोटर वाइंडिंग विल रिजल्ट इन, तो राइज इन वाइंडिंग टेम्परेचर, अगर मोटर पे डस्ट बैठ गया ज़्यादा तो वो गर्म ज़्यादा होगा क्योंकि उसका हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। 51 नंबर, द एफिशिएंसी ऑफ प्रॉपरली डिजाइन सिंक्रोनस मोटर विल यूजुअली फॉल इन द रेंज ऑफ, तो कितना कितना के रेंज होता है इसका एफिशिएंसी सिंक्रोनस मोटर का, तो 85 से 95% होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू लिमिट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल मशीन शुड हैव प्रॉपर करेंट रेटिंग का होना चाहिए, प्रॉपर करेंट रेटिंग का रहेगा तो ऑपरेशन टेम्परेचर जो है वो लिमिट में रहेगा। 53 नंबर देखिए, स्लिप रिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर कैरीज तो डायरेक्ट करंट, स्लिप रिंग से क्या कैरी करते हैं, तो डायरेक्ट करंट, डीसी करंट को हम कैरी करते हैं। और
54 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ए सिंक्रोनस मशीन विल लार्जर एयर गैप, अगर ज़्यादा एयर गैप है सिंक्रोनस मशीन का तो क्या होगा, ये हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी लिमिट होगा, ए स्मॉल वैल्यू ऑफ इनहेरेंट रेगुलेशन, और सी नंबर में यह हायर सिंक्रोनाइजिंग पावर विच मेक्स द मशीन लेस सेंसिटिव टू लोड वेरिएशन, इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, द आर्मेचर करेंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर हैज हायर वैल्यू फॉर, तो हाई एक्साइटेशन और लो एक्साइटेशन दोनों के लिए होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, इन ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ फिक्स एक्साइटेशन व्हेन द लोड इज इंक्रीज थ्री टाइम द टॉर्क एंगल बिकम्स अप्रोक्सीमेटली, तो इसका थ्राइस हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स इज कॉल्ड डैश एंगल, तो कौन सा एंगल बोलते हैं, तो इस 57 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा टॉर्क एंगल, इसको बोलते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है टॉर्क एंगल। 58 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू स्टार्ट ए सिंक्रोनस मोटर, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में। 59 नंबर देखिए, व्हेन द रोटर स्पीड इन ए सिंक्रोनस मशीन बिकम मोर देन दैट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग द डैम्पर बार डेवलप, तो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क डेवलप करेगा, इसका बी ऑप्शन सही है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर ओवर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज दैट, तो सिंक्रोनस मोटर में क्या एडवांटेज है ओवर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर से, तो इसका ए ऑप्शन सही है, इट्स पावर फैक्टर मे बी वेरीड एट विल, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटर इन ए पॉली फेज मल्टी पोलर सिंक्रोनस मोटर रनिंग एट फुल लोड सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसका 5 डिग्री, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज यूनिटी व्हेन द आर्मेचर करंट इज मिनिमम, आर्मेचर करंट जब मिनिमम होगा तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, द चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर चेंज द पावर फैक्टर ऑफ पावर ड्रोन बाय द मोटर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाइल स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर बाय इंडक्शन मोटर एक्शन फील्ड वाइंडिंग इज यूजुअली, तो शॉर्ट सर्किटेड बाई लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस से शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। और 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल यूज इन इलेक्ट्रिक क्लॉक, तो इलेक्ट्रिक क्लॉक में कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो एसी सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, इफ सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग मैकेनिकल लोड एंड ड्राइविंग करेंट एट लैगिंग पावर फैक्टर फ्रॉम कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई इट्स फील एक्साइटेशन इज इंक्रीज देन पावर फैक्टर, तो इसका बिकम लेस हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, पावर फैक्टर बिकम लेस हो जाएगा 66 नंबर का। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सिंक्रोनस मोटर इंस्टॉल एट द रिसीविंग एंड सब स्टेशन ऑपरेट विथ सच ए एक्साइटेशन टेक्स इट दैट इट टेक पावर एट लैगिंग पावर फैक्टर, नाउ इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर गोज डाउन द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर विल बी, तो इसका इंप्रूव आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है इसका इंप्रूव। 68 नंबर देखिए, व्हाइल स्टार्टिंग ए सैलियंट फॉर सिंक्रोनस मोटर वाई इंडक्शन मोटर एंड द कनेक्टिंग फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टेंस अक्रॉस फील्ड स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय, तो कैसे प्रोड्यूस होगा, इसका सारा ऑप्शन सही है, इंडक्शन मोटर टॉर्क इन फील्ड वाइंडिंग, इंडक्शन मोटर टॉर्क इन डैम्पर वाइंडिंग, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस टॉर्क इन पोल फेस, और रिलक्टेंस मोटर टॉर्क ड्यू टू साइलेंसी ऑफ द रोटर, इसका ई ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। 69 नंबर क्वेश्चन है, आर्मेचर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज केप्ट फिक्स्ड बिकॉज, सिंक्रोनस मशीन का जो आर्मेचर है वो फिक्स रखते हैं क्यों, क्योंकि इसका देखिए सारा ऑप्शन सही है। ऑफ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन द रोटर आर्मेचर इज एसोसिएटेड विथ लार्ज पावर एज कंपेयर टू द फील्ड सर्किट ऑफ डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन और रोटर, इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है।
70 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ ए कॉन्स्टेंट लोड इज डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू इग्नोरिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफ लोड टू, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज द बोथ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर एंगल, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर इज सप्लाइंग ए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड द आर्मेचर फील्ड इफेक्ट द मेन फील्ड इन द फ्लोइंग वे, तो इसका हो जाएगा डायरेक्टली अपोज, 71 नंबर का हमारा हो जाएगा डायरेक्टली अपोज, इसका बी ऑप्शन सही है डायरेक्टली अपोज। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इसका बी ऑप्शन सही है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एक्साइटेशन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 73 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज बेटर देन दैट ऑफ इंडक्शन मोटर बिकॉज, तो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि स्टेटर सप्लाई इज लाइव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग ए गिवन मैकेनिकल लोड एंड ड्राइविंग करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर फ्रॉम कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई इट्स फील्ड एक्साइटेशन इज इंक्रीज इट्स पावर फैक्टर तो बिकम लेस हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप वी आई कर्व से इसको देख सकते हैं फ्लोटिंग करके कि कैसे होगा, वी आई कर्व आप बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट के बीच में वी आई कर्व बनता है, आप बना के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे घटता और बढ़ता है। इस रिलेशन से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये बिकम लेस हो जा रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन व्हेन द लोड इज इंक्रीज द आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय इट्स इंक्रीज बिकॉज, तो इसका डी ऑप्शन सही है, ई आर नेट रिजल्टेंट वोल्टेज इन आर्मेचर इज इंक्रीज, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ वन फेज ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, नॉट स्टार्ट, पीछे भी ये क्वेश्चन था विल रिफ्यूज टू स्टार्ट, सेम ही बात है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ द फील्ड करंट ऑफ ए अनलोडेड सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर गेट सडनली ओपन सर्किट देन तो मोटर रन नहीं करेगा, मोटर स्टॉप हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। 78 नंबर देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर द स्टेटर एंड रोटर फील्ड रोटेट सिमटेनसली, मतलब एक साथ रोटेट करता है, तो ये सिंक्रोनस मोटर का होता है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, पीछे भी ये क्वेश्चन था। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर तो ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, सिंक्रोनस मोटर का स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट स्पीड होता है। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए रोटरी कन्वर्टर कैन ऑल्सो बी रन एज, तो सिंक्रोनस मोटर की तरह रन करता है, इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर, द मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन ए थ्री फोर सिंक्रोनस मोटर इज, तो जीरो होता है, इसका स्पीड वेरिएशन नहीं होता है इसमें। 82 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाई कंडक्टिंग इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट ऑन द सिंक्रोनस मोटर, तो इसका सारा ऑप्शन सही है, फेज टू फेज वाइंडिंग रेसिस्टेंस, स्टेटर वाइंडिंग टू अर्थ फ्रेम और रोटर वाइंडिंग टू अर्थ शाफ्ट, इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन सिंक्रोनस मोटर फेल टू पुल इनटू सिंक्रोनाइजिंग आफ्टर अप्लाइंग डीसी फील्ड करंट, तो लो फील्ड करंट के चलते स्टार्ट नहीं हो पाता है, रिफ्यूज करता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन सिंक्रोनस मोटर द मैक्सिमम पावर डेवलप डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी सब पे डिपेंड करेगा। 85 नंबर देखिए, इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर द नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट व्हेन मोटर इज, तो इसका ए ऑप्शन सही है, सप्लाई विथ अनलोडेड वोल्टेज, सॉरी सप्लाई विथ अनबैलेंस वोल्टेज, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, द सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड ऑन, तो पोल फेस पे हम डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, द इंड्यूस ईएमएफ इन ए सिंक्रोनस मोटर वर्किंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर विल बी, तो कैसा होता है, मोर देन द सप्लाई वोल्टेज, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन द सप्लाइड वोल्टेज। 88 नंबर क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लोड ऑन ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इज टू, तो इसका सी ऑप्शन सही है, इंक्रीज आर्मेचर करंट बट डिक्रीज पावर फैक्टर,
वी कर्व से आप देखिएगा तो ये भी पता चल जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, द नेट आर्मेचर वोल्टेज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज इक्वल टू, तो वेक्टर डिफरेंस बिटवीन ईबी एंड बैक ईएमएफ एंड वोल्टेज, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू रनिंग टॉर्क इन ए सिंक्रोनस मोटर, तो जीरो होता है रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू रनिंग टॉर्क, इसका जीरो हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर बैक ईएमएफ ईबी डिपेंड अपॉन, तो बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, तो डीसी एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग क्लॉक वाइज इफ द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड करेंट इज रिवर्स, अगर फील्ड करेंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए तो क्या होगा, इसका बी ऑप्शन सही है, द मोटर कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लोड, मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं होता है, सारे लोड पे कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, द टॉर्क एंगल इन ए सिंक्रोनस मोटर इट इज एंगल बिटवीन, तो टॉर्क एंगल किसके किसके बीच में होता है, तो 94 नंबर का देखिए हमारा हो जाएगा, टॉर्क एंगल होता है द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल के बीच में होता है टॉर्क एंगल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर, हंटिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर कैन नॉट बी ड्यू टू, तो वेयरिंग फ्रिक्शन के कारण हंटिंग नहीं होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू न्यू फिक्स वैल्यू, तो बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, आपको बताया था सप्लाई फ्रिक्वेंसी चेंज करके इसका हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, एनएस बाय 120 एफ बाय पी एक फॉर्मूला होता है, तो हम फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे इसका स्पीड भी चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सिंक्रोनस मोटर वी कर्व रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, वी कर्व इसी दोनों के बीच में बनाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, इन ए थ्री फेज फोर पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर द फ्रीक्वेंसी पोल नंबर एंड लोड टॉर्क विल बी हाफ द रोटर द मोटर स्पीड विल बी, तो मोटर स्पीड सब चीज़ अगर हाफ कर देंगे तो इसको निकाल लीजिए 120 एफ बाई पी पे, तो आपको 1500 आरपीएम आ जाएगा सारे को आधा करेंगे तो। 99 नंबर क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू इनफिनाइट बस वार हैज द कांस्टेंट फुल लोड 100% एक्साइटेशन एंड यूनिटी पावर फैक्टर, ऑन चेंजिंग द एक्साइटेशन ओनली द आर्मेचर करंट विल हैव, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर विथ ओवर एक्साइटेशन, इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉन सेल्फ स्टार्टिंग, तो कौन सा मोटर है जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, वो सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सिंक्रोनस मोटर इफ द बैक ईएमएफ ऑफ जनरेटर जनरेटेड इन द आर्मेचर एट नो लोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज देन, तो क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही है, द एक्साइटेशन इज सेट टू बी 100%, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 नंबर हमारा है, इन ए सिंक्रोनस मोटर द डैम्पर द डैम्पिंग वाइंडिंग इज जनरली यूज टू तो प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड टू द स्टार्टिंग टॉर्क, इसका ए ऑप्शन सही है, प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर देखिए, इफ द फील्ड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी, तो अंडर एक्साइटेड रहेगा तो लैगिंग हो जाएगा इसका पावर फैक्टर, इसका सी ऑप्शन सही है। 4 नंबर देखते हैं, द बैक ईएमएफ ऑफ स्टेटर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड अपॉन, द बैक ईएमएफ रोटर एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है, डी ऑप्शन सही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क दैट सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप विदाउट लूजिंग इट सिंक्रोनिज्म इज नोन एज, तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क बोलते हैं इसको, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 106 नंबर देखिए, इन ए सिंक्रोनस मोटर द आर्मेचर करेंट हैज लार्ज वैल्यू फॉर, तो आर्मेचर करेंट लार्ज वैल्यू फॉर बोथ हाई एंड लो एक्साइटेशन के लिए होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए सिंक्रोनस मोटर डज नॉट वेरीज विद द लोड, तो विंडेज लॉस है वो लोड के साथ वेरीज नहीं करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
108 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द साइज ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन, तो क्या इंक्रीज करेंगे, तो साइज सिंक्रोनस मोटर का डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डेंसिटी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन नॉट डिसिपेटेड बाय द स्टेटर कोर सरफेस इन द सिंक्रोनस मोटर, तो विंडेज लॉस है वो स्टेटर कोर सरफेस पे नहीं होता, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ सडन शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए सिंक्रोनस मोटर इज यूजुअली अबाउट, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम कॉन्स्टेंट लोड टॉर्क अंडर विच ए सिंक्रोनस मोटर विल पुल इनटू सिंक्रोनिज्म एट रेटेड रोटर सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज पुल इन टॉर्क बोलते हैं इसको, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल इन टॉर्क। 112 नंबर देखिए, सिंक्रोनस मशीन विल लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो है, तो लोअर स्टेबिलिटी लिमिट के लिए होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 113 नंबर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रिसेंबल, तो कैसा होता है, अल्टरनेटर की तरह होता है, एन अल्टरनेटर, इसका सी ऑप्शन सही है। 114 नंबर, इफ द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए अनलोडेड सैलिएंट पर सिंक्रोनस मोटर इज ओपन सर्किट द मोटर विल बी स्टॉप, मतलब रन नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो रन नहीं करेगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पावर डेवलप इन ए सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड करेगा, द रोटर एक्साइटेशन सप्लाइड वोल्टेज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सिंक्रोनस मोटर विच वर्क ऑन ए लीडिंग पावर फैक्टर एंड डज नॉट ड्राइव ए मैकेनिकल लोड इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर, मतलब ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर अगर लोड पे नहीं है तो वो सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह काम करेगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सिंक्रोनस मोटर डेवलप मैक्सिमम पावर व्हेन लोड एंगल इज, तो 90 डिग्री लोड एंगल होगा तब मैक्सिमम पावर देगा, ये तो दो तीन बार रिपीट हो चुका है। 124 नंबर, इन ए सिंक्रोनस मोटर द ब्रेकडाउन टॉर्क इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाइड वोल्टेज, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 125 नंबर क्वेश्चन, ए सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट द लैगिंग लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर, सारे पे ये ऑपरेट होता है इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 नंबर, एट नो लोड द आर्मेचर करंट इन ए सिंक्रोनस मोटर द लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एट नो लोड द आर्मेचर करंट इन ए सिंक्रोनस मोटर लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए सिंक्रोनस मोटर द फोर्स वेरिएशन विल बी मैक्सिमम व्हेन ड्राइविंग, तो ये रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 नंबर, द एंगल बिटवीन रोटर पोल एंड स्टेटर पोल इन ए सिंक्रोनस मोटर इज नोन एज, तो टॉर्क एंगल इसको बोलते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, हायर द अप्लाइड वोल्टेज डैश विल बी द स्टेटर फ्लक्स एंड डैश विल बी द पुल इन टॉर्क, तो 129 का हो जाएगा ग्रेटर इसका ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा, हायर द अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर विल बी स्टेटर फ्लक्स एंड ग्रेटर विल बी पुल इन टॉर्क, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, ए सिंक्रोनस मशीन इन केस द एक्सिस ऑफ फील्ड फ्लक्स इन द लाइन विथ द आर्मेचर फ्लक्स वेन, तो इसका नॉन ऑफ द एवर आंसर है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और कम समय में वीडियो करने के लिए थोड़ा स्पीड में करना होता है, थोड़ा हमारा मिस्टेक होता है, तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो से कोशिश करूँगा कि मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट करके भी बताएँ, और दोस्त लोग के यहाँ फॉरवर्ड भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।